खबरों का। पटना जिले में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर जेडीयू ने बैठक की। बैठक में जिले के सभी विधायक और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा की गई और सरकार के काम को आम जनता तक पहुंचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की गई। के बारे में बता रहे थे क्या क्या उनकी सोच थी। एक ये भी जरा जान लीजिए कि जो शहरीकरण की जो प्रक्रिया है, जो अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया है, इससे जो सामाजिक पूरा का पूरा जो ढांचा पुराना बनाता है वो ध्वस्त होता है। शहरीकरण के माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी के जो संकल्प है, जो जज्बा है, आप विचार है, उसको भरकर पहुंचाने का काम कर रहा है। आज देश में और इस राज्य में शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आम घर-घर पहुंचाने का काम करे। भाई रजनी नंदन जी ने नगर निकाय के बारे में, नगर निगम के बारे में बताने का काम। और वहीं भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने के मामले में कटिहार मेडिकल कॉलेज के ऊपर अब सवाल उठने लगे हैं। साफ तौर पर यह कहना है कि साजिश है भारत को बदनाम करने की। दरअसल पिछले दिनों कटिहार मेडिकल कॉलेज में 2018-19 पोस्ट ग्रेजुएट दाखिले के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था, जिसमें भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। कॉलेज की तरफ से जारी प्रोस्पेक्टस में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। कटिहार मेडिकल कॉलेज आरजूडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम का है, इसलिए इसको लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में भारत के नक्शे से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को गायब दिखाने के मामले पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत के नक्शों के साथ छेड़छाड़ करना देश को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है। गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया है कि देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जिन्ना के समर्थकों के तौर पर भारत में प्रवेश कर चुका है। हालांकि इस पूरे विवाद पर कटिहार मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। कॉलेज के संस्थापक और आरजूडी सांसद अशफाक करीम भी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, हम लोगों को सोशल मीडिया से या अन्य स्रोतों से सूचना मिली थी कि कटिहार मेडिकल कॉलेज के पीजी कोर्स के प्रोस्पेक्टस में कुछ मैप, इंडिया के मैप में छेड़छाड़ की गई है, तो उसी की जांच के लिए हम लोगों ने कटिहार मेडिकल कॉलेज SDPO साहब के साथ आए हैं। तो हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और आगे की कार्रवाई जांच उपरांत की जाएगी। जा चुका है कवर को चेंज करने के लिए। कितना प्रोस्पेक्टस तो बांटा जा चुका है? नहीं, बहुत थोड़ा सा बांटा जा चुका है, इसको रोक दिया गया है, किसी को दिया नहीं जा रहा है। चूक हुई है, सुधार होगा? हाँ, सुधार होगा, चूक हुई है, सुधार होगा। ये पहली बार ऐसा हो गया है। क्या चूक हुआ था? पीओ का पार्ट गायब था इस तरह का? नहीं, डिस्टॉर्ट किया हुआ नक्शा। ये किसी स्कैनिंग वगैरह की गलती है, प्रेस की गलती है, ये जहाँ पर उन्होंने स्कैन वगैरह किया होगा उन लोगों की गलती है। मैं आज प्रोस्पेक्टस जो पीजी का प्रोस्पेक्टस था उसमें जो है, जो इंडिया का मैप है उसमें कश्मीर का हिस्सा को थोड़ा छेड़छाड़ किया गया है। वो प्रोस्पेक्टस मेरे नज़र में आया है आज, और कटिहार की प्रशासन SDPO और SDO ने गए थे वहाँ पर, जा करके उन्होंने प्रोस्पेक्टस को सीज किया है और उसमें छेड़छाड़ करने की बात आई, उसकी जांच होगी, जांच होके जो प्रशासन कार्रवाई कर। तो अब इसके बाद से कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है वो सवालों के घेरे में है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ संपादक मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, एक बात बताइए कि ये जिस तरीके का मामला सामने आया है कटिहार मेडिकल कॉलेज से, कहा जा रहा है कि भारत के नक्शों के साथ छेड़छाड़ इसमें की गई है, आरजेडी के जो सांसद है, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, उनका ये कॉलेज है, तो राजनीति काफी होती हुई अब इस पूरे मामले पर नजर आ रही है, क्या कुछ कहना है आपका? अंजलि, देखिए, सबसे पहली बात तो भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ का ये पहला मामला नहीं आया है। और याद करने की बात है कि फेसबुक के CEO मार्क जुकेबर्ग ने भी ऐसी गलती की है। एक पोस्ट उन्होंने की थी जिसमें भारत के नक्शे से पूरा कश्मीर गायब था। इसके अलावा एक मशहूर TV चैनल है, उसने भी भारत का जो नक्शा दिखाया था उसमें से कश्मीर को भारत, पाकिस्तान और चीन के बटा हुआ बीच बटा हुआ दिखाया था।
लेकिन हमारे देश में अगर हम बिहार में कहीं कोई ऐसा मामला आता है तो राजनीति अलग की चीज है, लेकिन राष्ट्र के साथ, राष्ट्र की जहां तक बात है वहां पर चाहे वो राष्ट्रीय झंडा हो, हमारा अपना भारत का मैप हो, उसके साथ कोई गलत छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने इसे माना है कि गलती तो स्वीकार किया है। राजनीति क्यों शुरू हुई? राजनीति शुरू होने का सबसे प्रमुख कारण है कि कटिहार मेडिकल कॉलेज अशफाक करीम का है और वो हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा बतौर सांसद चुने गए हैं और जो प्रोस्पेक्टस उनके कॉलेज ने 2019 के पोस्ट ग्रेजुएट के दाखिले के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया उसमें भारत के नक्शे से पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा उस हिस्से को नहीं दिखाया गया है। और चूंकि वो एक मेडिकल कॉलेज के हैं और जो इलाका पड़ता है वो कटिहार किशनगंज अररिया हाल के दिनों में और भी कई चीजें आए थे जहां की भारत और पाक से जुड़े मुद्दे आते रहे हैं सामने। अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें अररिया में ये मामला उठा था पाकिस्तान जिंदाबाद का ना, ये सब अलग बात है लेकिन सबसे गंभीर बात है राजनीति से अलग अगर हटकर बात करें तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर बात करते हैं तो एक मेडिकल कॉलेज से कोई प्रोस्पेक्टस जारी होता है तो अगर वो गलत जारी हो गया, गलत किसी ने प्रकाशित कर दिया तो सबसे गंभीर सोचने वाली बात यह है और समझने वाली कि क्या कॉलेज प्रशासन ने पहले उसका कोई प्रूफ नहीं देखा छपने के पहले। तो ये स्पष्ट है कि कॉलेज प्रशासन ने उसको ढंग से प्रूफ उसका नहीं देखा। जिस तरीके से प्रोस्पेक्टस का मामला सामने आया है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है कॉलेज प्रशासन की तरफ से। लेकिन गिरिराज सिंह अजीब ही तेवरों में नजर आते हैं। गिरिराज सिंह ने इस मामले को भी एएमयू के जिन्ना से जोड़ दिया। उनका ये कहना है कि जिन्ना का जिन्न देश में प्रवेश कर चुका और इस तरीके की घटनाएं इसी वजह से हो रही है, देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। तो एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मुद्दा कोई भी हो उस पर इस तरीके की राजनीति क्यों की जाती है? अंजलि, राजनीति में अब वो मुद्दे गौण हो गए हैं जहां से जो जन सरोकार के मुद्दे से जुड़े होते हैं। आज के राजनीतिक मुद्दे में जो मुद्दे हैं वो सतही मुद्दे आ गए हैं। अगर कोई किसी तरह का बयान देता है तो उस पर राजनीति गर्म होती है, कहीं किसी से कोई भूल चूक होती है उस पर राजनीति गर्म होती है। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि वो कॉलेज प्रशासन ने नक्शे के साथ छेड़छाड़ किया या उससे गलती हुई, प्रिंटिंग की प्रेस की गलती है, कॉलेज प्रशासन की गलती है। मैं पुनः एक बार कहूंगा कि कॉलेज प्रशासन की गलती सबसे बड़ी है कि उसने उसे पहले उसका प्रूफ नहीं देखा छपने से पहले, उसने ढंग से उसका अवलोकन नहीं किया। जहां तक राजनीति की बात है, भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि ये दोष देश को तोड़ने की साजिश है, अगर कहीं किसी नक्शे के छप जाने से कहीं कोई देश नहीं टूटता, देश टूटता है मन टूटने से, देश टूटता है किसी भी प्रकार के आक्रामक और वैसी गतिविधियों से। तो जहां पर प्रशासन अलर्ट हो गया है, अभी जैसे ही ये मामले की जानकारी मिली, वीडियो वायरल हुआ और ये मामला सामने आया, जिला प्रशासन चौकस हुआ, वो जांच कर रहा है जिला प्रशासन और उसने सारे प्रोस्पेक्टस को भी सीज कर लिया है। क्योंकि ये मामला जो है आरजेडी के सांसद से भी जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कि अशफाक करीम सिर्फ आप कटिहार मेडिकल कॉलेज के सेक्रेटरी या चेयरपर्सन नहीं है बल्कि वो अब आरजेडी के सांसद हैं और इसलिए विपक्ष को बैठे बुढ़ाए मुद्दा मिल गया है और अशफाक करीम के साथ साथ अब आरजेडी भी निशाने पर आ गया है। तो मुद्दों को तलाश करके दूसरे दलों को घेरने के लिए ऐसी राजनीति कोई आश्चर्य की बात नहीं है और राजनीति होनी है और आने वाले अभी कई दिनों में ये राजनीतिक मुद्दा ये गरमाया रहेगा और इस पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी रहेंगे। लेकिन सबसे गंभीर बात है कि अगर कॉलेज प्रशासन जहाँ की शैक्षणिक बिल्कुल मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हर मुद्दे को लेकर राजनीति करना हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उनका काम बन गया है। इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति खूब हो रही है लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इसको मामले को गंभीरता से लिया और उनका ये कहना है कि जल्द ही इस गलती को सुधार लिया जाएगा।
और वहीं बात कर लेते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम रघुवर दास की। रघुवर दास आज कुछ बदले बदले अंदाज में नजर आए हैं। अपने तमाम तामझाम से अलग आज वो काफी सादे लिबास में पहुंचे हैं जिला मुख्यालय। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि आज भी सीएम नहीं बदले हैं, जिस तरीके से एक साधारण परिवार से सीएम रघुवर दास आते हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी उनका जो अंदाज है वो वही है, वही सादगी उनके अंदर आज भी नज़र आती है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग जो हैं वो झारखंड में काफ़ी नज़र आते हैं। तो वहीं एक कार्यकर्ता बनकर सीएम पहुंचे और उसके बाद से ये कहना है उनका कि सीएम रघुवर दास ने जिस तरीके से एक मजदूर से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया है, उसके बावजूद भी सीएम का जो एक लहजा है वो काफ़ी साधारण है। आपको बता दें कि गोमिया सीट के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद से जब सभी नेता आराम कर रहे थे तो उसके बाद से सीएम रघुवर दास कार्यालय में बातचीत के लिए पहुंचे हैं। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस खूबसूरती में चार चांद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कर सकता है। आपने तो को याद होगा कि जब रघुवर दास जी जब डिप्टी सीएम थे तो गोलगप्पे खाने आम जनता के बीच चले गए, वो ऑटो से चले गए, लोग हतप्रभ रह गए। बगल में व्यक्ति तो बैठा था, एक व्यक्ति तो उन्होंने कहा कि ये तो लगता है रघुवर दास जी हैं, उप मुख्यमंत्री है। बोला हाँ, क्या उप मुख्यमंत्री ऑटो में नहीं घूम सकता? मैं राज्य के मुख्य सेवक के साथ साथ एक समान नागरिक, बिल्कुल समान नागरिक की जिंदगी मैं हमेशा कोशिश कर। वहीं जमुई जिला बीजेपी सह जमुई विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक जिलाध्यक्ष भास्कर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए सभी प्रखंड अध्यक्षों और जिले के पदाधिकारियों को हर हालत में 15 मई तक मंडल स्तर तक के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों की सूची जिला और प्रदेश में भेज दे, ताकि बिहार दौरे पर आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को सूची जो है वो सौंपी जा सके। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विकास सिंह, बृजनंदन सिंह, विवेक सिंह समेत दर्जनों बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई घोटाला करने के लिए कहा था, ना कोई अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए किया था, और सारे चीज समाज के सामने है, लोगों के सामने। और जब उसमें कानूनी प्रक्रिया में जब वो फंसे तो वो कानून अपना काम करेगा, उसे भारतीय जनता पार्टी को उसे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। और वहीं